इंदौर निगम आयुक्त ने जल जमाव की समस्या के निराकरण के लिए दौरा किया। निगम आयुक्त ने निगम अमले के साथ चंद्रभागा, आरटीओ आदि कॉलोनियों की वाटर स्ट्रॉम लाइन को देखा और समस्या के निदान के निर्देश दिए। शुक्रवार को निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने निगम के अमले के साथ शहर का दौरा किया। दरअसल यह दौरा निगम आयुक्त ने शहर में होने वाले जल जमाव की समस्या को देखते हुए किया। इसलिए आयुक्त ने स्ट्रॉन्ग वाटर लाइन के साथ ही बंद नालियों व डिवाइडर से रुकने वाले पानी के स्थानों को चिन्हित करते हुए शीघ्र काम करने के निर्देश दिए। इसके लिए निगम की जानकारी समिति व कई कर्मचारियों को भी लगाया गया है। स्ट्रॉन्ग वाटर का चैनलाइजेशन प्रॉपरली हो, हर बार बढ़ाता है। कुछ जगहों की भौगोलिक संरचना भी हो सकती है और कुछ जगह में जहां हम लोग इंटरवेंशन करके पानी निकासी कर सकते हैं, तो वहां की तैयारियां टीम कर रही है लगातार। इसमें दो तीन तरीके की तैयारियां हैं। एक तो जितने भी स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज हैं, अपना जितना भी लाइन है वो पूरा क्लियर रहे, पूरे चैम्बर्स क्लियर रहें। कुछ जगह जैसे हम लोगों ने पिछली बार देखा था कि डिवाइडर्स की वजह से कुछ रोड भरे थे, तो उनमें डिवाइडर्स में पानी निकलने की व्यवस्था प्रॉपर रहे। और जो ऐसे परंपरागत स्थान है उनमें हम लोग अगर कोई कच्ची नाली बनाकर या कोई एडॉक अरेंजमेंट करके उसकी व्यवस्था बना सकें, तो इसी के लिए लगातार टीम काम कर रही है। सभी जो जोनल अधिकारी हैं और सभी जो जानकारी की टीम है उनको यही काम इस समय प्राथमिकता से करने का कहा गया है। और सभी लोग सिर्फ अभी स्ट्रॉन्ग वाटर का किस तरीके से हम लोग ड्रेनेज प्रॉपरली कर सकें इसी पर ध्यान दे रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो प्रधानमंत्री आवास का जो लाइट हाउस प्रोजेक्ट है उसकी समीक्षा का दिन था, वो कुछ कारणवश पोस्टपोन हुआ है, वो किसी अन्य तारीख पर होगा। बेसिकली जो लाइट हाउस प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस है वो सभी 6 जिलों में माननीय प्रधानमंत्री जी मॉनिटर कर रहे थे, तो उसी के लिए बैठक थी जो आज पोस्टपोन हुई है।